हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द लॉयल पिन के स्पेशल चैप्टर 5 पार्ट 1, जिसका नाम है सेकंड नाइट। चैप्टर 4 में हमने देखा था कि लेडी पिन और इनला फिथ एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, जिसमें वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। अब आगे लेडी पिन का पॉइंट ऑफ व्यू। लेडी पिन का पहला किस बारिश की रात में, जो डीप और पैशनेट थी। हर टाइम हमारी टंग टच हो रही थी और हमारी हार्ट बीट जैसे रुक गई हो। इसका टेस्ट स्वीट और फ्रेग्रेंट लॉन्ग टाइम तक लेडी पिन के माउथ में रहा। छोटे छोटे थॉट्स का जाल, हैवी ब्रीदिंग की आवाज। जब एनिल के लिप्स धीरे धीरे मेरे लिप्स पर थे तो मेरी हार्ट बीट रुक गई। एनिल फिथ ने लेडी पिन के कानों में धीरे से विस्पर किया, इसे फ्रेंच किस कहते हैं, केवल अपने पार्टनर के लिए, लव एक्सप्रेस के लिए यूज किया जाता है। उस समय लेडी पिन की चेतना थोड़ी ब्लर्ड हो गई थी। लेडी पिन को कुछ याद नहीं था। वह घबराकर और कंफ्यूज होकर किस के ओनर यानी एनिल से दूर भागना चाहती थी। लेडी पिन पाइन पैलेस के बेडरूम की तरफ भाग गई। उसने डोर टाइटली बंद कर लिए, क्योंकि वह डर रही थी कि अनिल को पता न चल जाए कि वह कैसा फील कर रही थी। उस रूम में लेडी पिन शांत बेड पर बैठी और अपनी फिंगर से अपनी लिप्स को रब करती रही। ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, ये सब लेडी पिन के माइंड में चलते रहे। लेडी पिन के फर्स्ट किस ने उसे इतना पागल कर दिया कि वह अनिल से दूर रहने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि लेडी पिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब लेडी पिन ने सुना कि अनिल बीमार है तो लेडी पिन अपने आप को नहीं रोक सकी। स्वाभाविक रूप से अनिल बीमार थी, बट अनिल बिरेव थी कि उसने अपनी फीलिंग्स लेडी पिन को कन्फेस की और लेडी पिन ने कमजोर होकर उससे पूछा। लेडी पिन कहती है, हम दोनों इस तरह एक दूसरे से कैसे लव कर सकते हैं अनिल। हालांकि लेडी पिन बहुत सरप्राइज है जब उसने सुना कि अनिल चेंगमाई गई है प्रिंस चक्कम के अंतिम संस्कार में। लेडी पिन अपने आप को अनिल का वेट करने से नहीं रोक सकी, लेकिन इस समय लेडी पिन डिसाइड करती है कि वह अपनी फीलिंग्स अनिल को कहेगी। वह पहले की तरह नियमों का पालन नहीं करेगी। उनकी पहली नाइट लेडी पिन के कहने पर सब खत्म हुआ। लेडी पिन कहती है, मैं केवल अनिल फित की हूँ। कल रात वह नाइट थी जो अनिल ने लेडी पिन की बॉडी पर अपने लव को एक्सप्रेस किया, जिसका मतलब पहले लव से था। स्वाभाविक रूप से लेडी पिन सभी प्रॉब्लम को भूलकर लेडी पिन की बॉडी फर्स्ट नाइट को एंजॉय कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनिल उसे कहाँ टच कर रही थी। लेडी पिन की बॉडी शेक कर रही थी, लेडी पिन अनिल को हग करती है। लास्ट नाइट अनिल और लेडी पिन ने कई लव सीन क्रिएट किए। अगली सुबह लेडी पिन अपने कपड़े कलेक्ट किए और बाथिंग के लिए बुआ पैलेस जाना चाहती थी। लेडी पिन पूरी कोशिश कर रही थी कि अनिल जाग ना जाए, बट अचानक से अनिल उठी और लेडी पिन को पीछे से ग्रैब कर लिया, जिससे लेडी पिन बच नहीं सकी। अनिल अपने लव को लेडी पिन पर रिपीट करती रही। अनिल लेडी पिन पर अपनी नोटी स्माइल के साथ हंसती रही। लेडी पिन सोचती है, हो सकता है वह एक सपना हो। सेकंड पॉइंट, अनिल फिर कहती है, लेडी पिन आप इतने समय से कहाँ थी, अनिल आपके लिए काफी देर से वेट कर रही थी। जैसे ही लेडी पिन ने दोपहर के बाद पाइन पैलेस में कदम रखा, अनिल फिर ने लेडी पिन से पूछा, जैसे कि लंबे समय से गायब हो, जबकि वे केवल कुछ घंटों के लिए ही अलग हुए थे। इन घंटों ने एनिल फिथ की लाइफ चेंज कर दी थी। इस तरह उन दोनों का मिलने का तरीका काफी स्वीट था। एनिल की बात सुनकर लेडी पिन उसे बताती है, अनिल मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। लेडी पिन सुबह जो उसकी बात हुई थी आंटी पद्मिका के साथ, वह अनिल को नहीं बताती, क्योंकि लेडी पिन अनिल को परेशान नहीं करना चाहती। जैसे लेडी पिन अभी है, वह हर समय अनिल के फेस पर ब्राइट स्माइल और उसके चिक्स के डिंपल देखना चाहती है। लेडी पिन अपने दिल में उस बात को छुपा लेती है और अनिल के सामने मुस्कुराने का डिसाइड करती है। लेडी पिन की बात सुनकर अनिल फिर कहती है, अनिल लेडी पिन के नाश्ते के लिए वेट कर रही थी, मुझे लेडी पिन के साथ नाश्ता करना है। अनिल फिर ने स्माइल के साथ रसोई की टेबल की तरफ इशारा किया। अनिल फिर कहती है, अनिल ने सारी तैयारियां कर ली है। अनिल फिथ की बात सुनकर लेडी पिन कहती है, क्या अनिल ने खुद ही सारी तैयारी कर ली? लेडी पिन ने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा। लेडी पिन कहती है, अनिल तुम्हें पता है ना, मैं अनिल को अकेले कुछ भी करने से मना करती हूँ। लेडी पिन की बात सुनकर अनिल फिथ कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनिल स्वीट वॉइस के साथ ब्राइट स्माइल करते हुए कहा। इसके बाद अनिल फिथ कहती है, अनिल समय समय पर लेडी पिन के लिए कुछ करना चाहती है। ये कहते हुए अनिल फिथ लेडी पिन की वेस्ट को हग करते हुए उसके कानों में विस्पर करती है। अनिल फिथ कहती है, हो सकता है शायद इससे लेडी पिन अनिल को और ज्यादा लव करेगी। अनिल को ये कहते हुए सुनकर लेडी पिन कुछ नहीं कर सकी, उल्टा हैप्पी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो लेडी पिन अनिल को पीछे नहीं हटाना चाहती और लेडी पिन भी अनिल को हग करती है।
लेडी पिन कहती है, फिलहाल मैं अनिल से सच्चा लव करती हूँ। लेडी पिन की बात सुनकर अनिल कहती है, क्या ये सच है? लेडी पिन कहती है, हाँ मैं अनिल से इतना प्यार करती हूँ कि मैं अब किसी और चीज के लव नहीं कर सकती। लेडी पिन ने धीरे से अनिल को आंसर दिया। इसके बाद अनिल ने लेडी पिन को डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। डाइनिंग टेबल किचन के कॉर्नर में है और उसकी साइड में विंडो जो आंगन के क्लोज है। खिड़की के बाहर पाइन पैलेस के गार्डन में फूलों को देखा जा सकता है जो इसे और भी ज्यादा सुंदर बनाता है। अनिल कहती है, आज नाश्ते में मशरूम सूप, ब्रेड, व्हाइट बीन्स और बीफ सॉसेस हैं। इसके अलावा टमाटो सूप और लेमन जूस भी शामिल है। ये सुनकर लेडी पिन कहती है, आपने बहुत सारा नाश्ता बनाया है, क्या आप थकी नहीं है अनिल? लेडी पिन ये कहते हुए गिल्टी फील करती है। अनिल फिर कहती है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। अनिल कहती है, मुझे ये करना पसंद है। ये सुनकर लेडी पिन कहती है, अगली बार अनिल को मेरा वेट करना होगा। लेडी पिन ने जिद करते हुए इसे बार बार रिपीट किया। लेडी पिन की बात सुनकर अनिल कहती है, ठीक है तो क्या आज लेडी पिन अनिल के द्वारा बनाया हुआ खाना खाएंगी? ये कहते हुए अनिल ने थॉटफुली आई ब्लिंक की। लेडी पिन कहती है, ठीक है। लेडी पिन अभी भी पहले की तरह सेंसिटिव और क्वाइट थी। नाश्ता खाते समय लेडी पिन कहती है, अनिल का पकाया हुआ खाना काफी डिलीशियस है। बट लेडी पिन थोड़ा एम्बैरेस फील करती रही। उसे बुरा लग रहा था कि वह अनिल की हेल्प नहीं कर पाई थी। लेडी पिन सोचती है, अनिल ने यूरोपियन डिश बनाने की हिम्मत दिखाई जो लेडी पिन की कुकिंग से कहीं बेहतर है। लेडी पिन ने अनिल को हैप्पी करने के लिए हर डिश को टेस्ट किया, लेकिन लेडी पिन देखती है अनिल अभी भी थोड़ा ही खा रही है हमेशा की तरह। लेडी पिन पूछती है, अनिल अब थोड़ा ही खा रही है? अनिल लेडी पिन से कहती है, हो सकता है मौसम हॉट है इसलिए। अनिल फित ने बस इतना ही जवाब दिया, लेकिन इससे लेडी पिन को मौसम पर गुस्सा आने लगा, खासकर जब आसमान डार्क हो और आपके कानों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे। मौसम पहले गर्म था, लेकिन अनिल फित ने अपने फेस की स्माइल और मूड को अच्छा रखा। अनिल कहती है, अगर बारिश होती है तो शायद अनिल लेडी पिन को वापस नहीं जाने देगी। जैसे ही लेडी पिन ने अनिल फित की ये बातें सुनी तो लेडी पिन को अचानक कुछ याद आ जाता है, लेकिन लेडी पिन ऐसे दिखावा करती है जैसे वह कुछ भी नहीं जानती और बातों से इनकार करती है। लेडी पिन कहती है, बहुत देर हो चुकी है अनिल। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अनिल फित को खिड़की के पास ग्रे कलर के सोफा पर बैठना पसंद है। वह हमेशा खिड़की के पर्दे खुले रखती है जिससे बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। बारिश की बूंदे खिड़की के कांच से टकरा रही थी। बट तभी अचानक अनिल म्यूजिक प्लेयर को प्ले करके नीचे फायरप्लेस के पास रख देती है जिसमें सॉफ्ट इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था। यह देखकर लेडी पिन स्माइल करने लगती है। तभी अनिल लेडी पिन को अपनी तरफ पुल करके हग करती है और लेडी पिन से कहती है, लेडी पिन प्लीज मेरे साथ डांस करें। लेडी पिन स्माइल के साथ कहती है, ओके अनिल। तो दोस्तों, ये था द लॉयल पिन का स्पेशल चैप्टर 5 पार्ट 1। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ये चैप्टर थोड़ा रोमांटिक होने वाला है। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।